तो दोस्तों आप लोगों ने इस गाने को सुन लिया है और आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये गाना किस प्रकार से रिमिक्स हुआ है। तो इसी गानों को जिस प्रकार से रिमिक्स किया गया है उसी प्रकार से मैं आप लोग को इस वीडियो में रिमिक्स करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप लोग को इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा अगर आप लोग संग रिमिक्सिंग करना सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए इसको हम लोग पहले जो भी पैटर्न मैंने बनाया है इस सभी पैटर्न को मैं क्या करता हूँ डिलीट करता हूँ। यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, और अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो लाइक ठोक दीजिए। ठीक है, अब चलिए इसको हम बनाते हैं कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले इस गाने का जो बीपीएम है जो परफेक्ट बीपीएम है वो है 118। ठीक है, 118 इसका बीपीएम है। बीपीएम मैंने थोड़ा सा इसका बढ़ाया है 5%। ठीक है, और इसको मैंने 23 कर दिया है, देख सकते हैं 123। अब क्या करना है, अब सुनना है कि इस गाने में जो पैटर्न चल रहा है वो कुछ कुछ इस प्रकार का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, और इसमें जो भी मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक हटाया देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इसका बैकग्राउंड कट किया है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इस गाने का थोड़ा मैंने वैल्यूम कम किया कि कॉपीराइट ना आए वीडियो में जो भी गाना है यहाँ पर मैं प्ले कर रहा हूँ। अब चलिए यहाँ पर हम गाने को बनाना शुरू करते हैं। तो पहले सुनिए, और जैसे कैसे मैंने बनाया था, फर्स्ट में मैंने लगाया था एक किक। ठीक है, मैंने मैंने किक लगा दिया, फिर से एक यहाँ पर किक मैंने लगाया था। ठीक है, देख सकते हैं, और इसके नीचे ये कुछ इस प्रकार का हेड था। ठीक है, और एक क्लैप्स था यहाँ पे। ठीक है, सुन सकते हैं कुछ इस प्रकार से बजेगा। अब यहाँ पर जो आता है हमारा, यहाँ पर मैंने एक ढोलकी यूज किया था। और देख लेता हूँ कौन सा मेरा बटुल ये था। ये वाला ढोलकी था, ठीक है, इस ढोलकी को मैंने ले लिया। लेने के बाद इसको सही तरीके से बीपीएम से मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा। उसके बाद से यहाँ पर जाऊँगा, ये मेरा इफेक्ट है तो इफेक्ट को छोड़ते हैं, इसको हटाएंगे, ये फालतू इफेक्ट है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ऐसे मैंने नॉर्मल से यूज करने के लिए लगाया था। अब यहाँ पर आता है मेरा दूसरा पैटर्न, इसके अंदर एडिट में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ये मेरा हीट हेड्स है, तो हीट हेड्स को कैसे लगाना है, हीट हेड्स को लगाना है सबसे पहले देख सकते हैं ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ये बार था तो इसको मैंने क्या किया है यहाँ पर दबा के रखा, और यहाँ पर देखा ऐड नॉन ट्रैक लिखा हुआ, इस पर क्लिक कीजिए। ऐसे क्लिक कीजिएगा तो एक और आपका ट्रैक यहाँ पर बन के आ जाएगा। ठीक है, और फर्स्ट वाला जो ट्रैक है इसको आपको यहाँ डिलेक्ट ट्रैक पर कर दीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपका बार दिखने लगेगा जो अंदर का हमारा जो भी स्टेप है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो सब ये करने के बाद से आपको कुछ कोने का जो मैग्नेट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके रखेंगे, और यहाँ पर स्टेप 1/3 स्टेप पर क्लिक करके यहाँ पर हम लोग हीट हेड्स को सेट करेंगे। तो उसके लिए फिर से यहाँ पर दबा कर रखना होगा, और यहाँ पर फ्लेज़ एंड 4 स्टेप करेंगे, और इसको ऐसे सिलेक्ट करके इसको छोटा कर देंगे कुछ इसके बराबर, देख सकते हैं कुछ इतना। इतना पर करने के बाद से मैं इसको फिर से सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर लाऊंगा और इसको 1 पॉइंट आगे कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए कैसे मैं बना रहा हूँ, फिर से यहाँ पर पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद इसको इस प्रकार से लगा दूँगा, हो गया। यहाँ पर लगाने के बाद से ये वाला फर्स्ट वाला मैं डिलीट करूँगा, फिर से ये वाला नहीं, ये फर्स्ट सेकेंड, हाँ ये वाला डिलीट कर दूँगा। ये देख सकते हैं ये हुक है, हुक ढोल लो ढोल जो बोला जाता है, इसको मुझे लगाना है यहाँ पर और यहाँ पे इस हीट हेड्स के नीचे लगा देंगे। ये वाला है, ये वाला, ठीक है। तो इसको भी हमको कैसे लगाना है, वो लगाना है लोड होल के नीचे जैसे हमने लगाया था, एक यहाँ पर लगा देंगे। सेम टू सेम हम आगे भी लगाएंगे इसी प्रकार से, देख सकते हैं ये लग गया।
अब लग रहा है कि मुझे ये सही लग रहा है, अब आगे बजा कर देखते हैं कैसा साउंड करता है, उसके बाद से हम देखेंगे आगे। ठीक है, मस्त साउंड कर रहा है, तो इसको मैं लंबा कर दूंगा, यहाँ से पकड़ के इसको लंबा कर दूंगा, जहाँ तक जाएगा ये गाना वहाँ तक हम लोग लेते जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ से हमारा पैटर्न चेंज हुआ है, तो पैटर्न चेंज जहाँ से हुआ वहाँ से हम लोग पैटर्न को चेंज करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, और यहाँ पर मैं बनाऊँगा ब्रेक, तो ब्रेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक टर्म का यूज किया है, सुन सकते हैं कुछ इस प्रकार का टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, तो ये इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ, और यहाँ पर C4 है, इस पर मैं बनाऊँगा, और यहाँ पर आपको डायरेक्ट वेव में ले लेना होगा, डायरेक्ट जो वेव होता है ना, डायरेक्ट सैंपल, इसमें से आपको टर्म को चूज कर लेना होगा, और इसको बनाना है फिर से वही, यहाँ पर क्लिक करके लिखिएगा 1/3 स्टेप आइए, उसके बाद से यहाँ पर आपको बना लेना होगा कुछ इस प्रकार से। देख सकते हैं एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, सुन कर देखते हैं। ठीक है, ऐसे आपको बना लेना होगा, एक आगे ऊपर कर लेते हैं, और इसको थोड़ा मैं लंबा कर दूंगा। चलिए ठीक है, अब आगे वाला पैटर्न भाई, आगे पैटर्न हमारा चल रहा है फ्लिज इन 4 स्टेप, तो सिंपली वही करना है, किक को लगाएंगे, तो फर्स्ट जो हमारा किक चल रहा है, कौन सा किक है देखते हैं, ये वाला हमारा किक है, तो किक को पहले मैं ऊपर कर लेता हूँ, तो इस किक को हम लगाएंगे, ये वाला किक को फ्लिज इन 4 स्टेप करेंगे। ठीक है, उसके बाद से ये होने के बाद से इसके अंदर हमने हीट हेड्स जो लगाया था, सेम टू सेम वही हीट हेड्स हमको यहाँ पर से कॉपी करना है, फर्स्ट वाला हमारा हीट हेड्स था और नीचे वाला लोड होल था। ठीक है, इन सभी को मैं कॉपी करूँगा दोनों को, और फिर से यहीं पर मैं पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पर कुछ इतना था। ठीक है, और ये वाला हीट हेड्स एक यहाँ पर मैं लगा दूँगा, जहाँ से मैंने हम लोगों ने डिलीट किया था, सिंपली उसी प्रकार से यहाँ पर भी लगा देंगे, ये लो ढोल भी। ठीक है, अब हमारा ये जो ढोल है वो लगाना है, तो ढोल को फिर से वही चीज़ें करना है, इसको छोटा कर देंगे और इसको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लगा देंगे, देख सकते हैं। अब ठीक है, हमारा ये लग चुका है, पैटर्न भी बन चुका है, चलिए सुन गया, तो पैटर्न को यहाँ से हम चेंज करेंगे, तो उसके लिए इस ये वाला इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा ब्रेक टाइप का लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर पेस्ट करके ये वाला पार्ट से काट देंगे, आप सुनिए। ठीक है, ये हो गया, और ये वाला जो हमारा पैटर्न है फिर से कॉपी करेंगे, और यहाँ पर पेस्ट करके इसके अंदर एडिट में जाएंगे, यहाँ पर हम वाटर ड्रॉप का यूज करेंगे। ठीक है, तो वाटर ड्रॉप कैसे यूज करना है, एक यहाँ पर लगाएंगे, एक यहाँ पर। ठीक है, और ये वाला जो है जो ये यहाँ पर हम लगा लेंगे, देख सकते हैं सही तरीके से लगा है कि नहीं लगा है, सही तरीके से लग चुका है, और इन दोनों को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और ये सॉरी से इसको डिलीट करके यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देंगे, ये ठीक है नहीं ठीक है, थोड़ा सा इसको इतना पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, आप मुझे लग रहा है अच्छा, आप सुन के देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ हो गया, अब यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक का यूज करना होगा दोस्तों। ओके ये भी वाला हम लगाते हैं, ये वाला इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और देखते हैं सही काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको यहाँ पर मैंने लगा दिया, और लगाने के बाद से ये वाला जो फर्स्ट वाला जो हमने पैटर्न बनाया था, ये वाला, इसको केवल हम यहाँ यही वाला कॉपी करेंगे और लूप्स को छोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, हो गया। अब इसके अंदर हमको एक चीज़ और लगाना है, जो यहाँ पर हमने वाटर ड्रॉप यूज किया था, इन सभी को मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, और इसके अंदर ले जाकर पेस्ट कर दूँगा।
देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा कर लेना है आपको, अब सुन के देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक चलते चल जाए। अब यहाँ पर, अब यहाँ से हमको एक ब्रेक लगा लेते हैं, देखते हैं लग जाए तो ठीक ही रहेगा। मतलब ब्रेक में ये होता है कि मज़ा आ जाता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमने जो ब्रेक फर्स्ट में यूज़ किया था उसी को लगाएंगे। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर पेस्ट किया, अब देखते हैं। अब हो गया हमारा ये, अब दूसरा पैटर्न चलेगा ये वाला। ये वाला पैटर्न हम यहाँ पर डाल देंगे। हो गया, अब यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर हम ये वाला ब्रेक लगाएंगे जो यहाँ पर छोटा सा काटे थे इसको। अब सुनिए, ठीक है, उसके बाद से हमारा ये वाला को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे। एडिट में जाएंगे, यहाँ पर से हम क्या करेंगे, ये वाला जो वाटर ड्रॉप है इसको दोनों को हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए कैसे साउंड करेगा। अभी देखिए यहाँ तक हमारा ये पैटर्न आ गया। अब यहाँ पर हमारा ब्रेक बनेगा, तो चलिए ब्रेक बनाते हैं। ब्रेक का जगह ये रहा। अब देखिए टन टन, अब जैसे यहाँ पर ब्रेक जिससे चल रहा है उसी प्रकार से हमको बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं देखता हूँ, ये बार यहाँ पर मैंने लगाया एक यहाँ पे, अब सुन के देखते हैं। हो गया, अब आगे हमने जो ये वाला पैटर्न बनाया था, ये वाला, इनको सभी को कॉपी कर देंगे जो ब्रेक बनाया था मैंने, और इसके अंदर ले जाकर पेस्ट कर देंगे क्योंकि यही सेम टू सेम चल रहा है। ठीक है, अब सुन के देखिए। ठीक है, ये हो गया। अब आगे वाला जो हमारा पैटर्न चलेगा, ये वाला नहीं, ये वाला, इनको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और वहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब सुनिए, दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने पैटर्न बना दिया, जितना पैटर्न मैंने आप लोग को सुनाया था। तो इसी प्रकार से आप लोग गाने का पैटर्न बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।